कांग्रेस के 134वें स्थापना दिवस पर शनिवार को देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर शहर में गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया बल्कि उनके चरण भी धोए। इस दौरान एक बार फिर से कांग्रेसियों को आपस में उलझते देखा गया। यहां वर्चस्व की लड़ाई में कांग्रेस के दो नेता आपस में भिड़ गए। हालांकि यहां मौजूद अन्य कांग्रेसियों ने मामले को शांत करवाते हुए दोनों को दूर किया। शहर कांग्रेसी के कार्यकारी अध्यक्ष विनय बकलीवाल ने बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया गया। पहले उनके पैर धोए गए, फिर शॉल और त्रिफल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने पार्टी की विचारधारा पर चलने की शपथ ली। वहीं आने वाले समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में एकजुट होकर मोर्चा संभालने का वादा भी किया। बाकलीवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार द्वारा माफियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का स्वागत योग्य है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। सुबह कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यालय में पहुंचे थे। भीतर दाखिल होते ही कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव और ओकेश नालिया आपस में भिड़ गए। बातों से शुरू हुआ विवाद जोर आजमाइश तक पहुंच गया। मामला हाथापाई तक पहुंचता इसके पहले ही कार्यकर्ताओं ने इन्हें पकड़कर दूर किया। इस दौरान यहां अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। माननीय शहर कांग्रेस कार्यक्रम में आके अनुशासन नहीं था। माननीय ना समझा JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।